द्रुवं दयेन्द्र जागृच्छ राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अमर लोक की प्रशंसा करने वाले देवगण और मुनिवर सभी लोग विराजिए। आपके लिए प्रश्न है, प्रसन्नता पाने हेतु स्वर्ग लोक में आने के लिए मनुष्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए? हवन इत्यादि करने से वो प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, दान और धर्म के वजह से उन्हें ये लोक प्राप्त होता है। मनुष्य अगर मानवता में रहे तो भूलोक ही स्वर्ग बन सकता है। देव भक्ति ही देव लोक प्राप्त कराती है। सर्व शक्तियों और दूसरे लोग को प्राप्त करने वाला मैं, मेरी कहानी आप नहीं जानते क्या? तपस्या से बढ़कर और कोई भी दूसरी शक्ति नहीं है। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी, आपकी क्या राय है? सत्यवर्धन ही समय पर उचित है देवेंद्र। सत्य ही तपस्या, सत्य ही सर्वम, सत्य ही देवम। बस बहुत हो चुका। आजकल इस झूठ की दुनिया में सत्य बचा है क्या? ये सब आप अच्छी तरह जानते हैं महोदय जी। क्या आप बता सकते हैं आज की इस दुनिया में चरित्रवान और सत्य का पालन करने वाला उत्तम पुरुष है क्या? महामुनिवर, इसका उत्तर अवश्य है। देवेंद्र, अहंकार में डूबे विश्वामित्र ने सत्य को साधना शुरू कर दिया है। ये मेरी ज्ञान नेत्र मुझसे कह रही है कि उनमें उत्साह जाग उठा है। इतना प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है। वो है कौन? मेरा शिष्य अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र। मेरा शिष्य पुरुषता, मानवता, मनुष्यता, इन सब से आगे सत्यशीलन सच्चरित्र पुरुष है। अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र राज्य करता है, इसका उसे अहंकार है। उसने भोग विलास में अपने आप को ढाल लिया है। आज्ञा पाकर करने वाला एक मामूली सा इंसान है, फिर भी आप उसे अपना शिष्य बनाकर उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ये तो तुच्छ सी बात है महामुनिवर जी। क्या सारा विश्व नहीं जानता? विश्वामित्र जी, वो सामान्य मनुष्य सत्यता से कभी मुख नहीं फेरता। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास है, क्योंकि वो आपका शिष्य है, इसलिए आप उसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य सत्य का उपयोग करके भूलोक को नहीं जीत सकता। आपको विश्वास नहीं है तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। हाँ, मैं परीक्षा लूंगा देवेंद्र। ये मेरी शपथ है कि हरिश्चंद्र सत्यता को नहीं निभा पाएगा, ये मैं साबित करूंगा। सुनिए वशिष्ठ जी, हरिश्चंद्र मेरी परीक्षा में असफल होगा। असंभव। विश्वामित्र जी, सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, परंतु हरिश्चंद्र अपनी सत्यता नहीं छोड़ सकता। वशिष्ठ जी, यदि परीक्षा में मैं विजयी हुआ तो? अपने वर्षों की तपस्या को मैं आपको अर्पण करके इस पराजय को गौरव से स्वीकार करूंगा, परंतु अगर आप पराजित हुए तो? मैं भी अपनी पूरी तपस्या आपको अर्पण कर महाराजा हरिश्चंद्र की जय जयकार करूंगा। और इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र के यश का धूमधाम से इतिहास में वर्णन करूंगा। इसलिए मुनिवर, जो वार्तालाप चल रही है, परीक्षा खत्म होने तक हरिश्चंद्र को पता नहीं लगनी चाहिए। नहीं पता चलेगी। आपकी सत्य शोधक की परीक्षा जब तक समाप्त नहीं होगी, मैं स्वर्गलोक से कहीं नहीं जाऊंगा। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र राजा, तुझे जयकार तुम्हारी, हर ओर कीर्ति छाई, हर तरफ छाई खुशियां, कभी कोई ना। राजा हरिश्चंद्र तुम्हारी, हर ओर कीर्ति छाई, हर तरफ छाई खुशियां, कभी कोई ना। राजा हरिश्चंद्र राजा। हरिश्चंद्र, पधारिये मुनिवर। विजयी भव राजन, आसन ग्रहण कीजिए। आपके राज्य में सब सकुशल है? आपके कृपा से सब सकुशल है। आप पधारे, ये हमारा सौभाग्य है। आइए विराजिए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं अपना स्वागत करवाने यहाँ नहीं आया हूँ हरिश्चंद्र, मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ।
विशेष उद्देश्य? मुझे अत्याधिक प्रसन्नता हुई। बताइए मुनिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये जानने हेतु मैं अत्यंत उत्सुक हूँ। मुझे बहुत संतुष्टि हुई हरिश्चंद्र, अपने सिद्धांत को तुम भगवान की तरह पूजते हो ना? सिद्धांत ही भगवान है, बताइए मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। तो ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। सृष्टि के कल्याण हेतु हमें कुछ मुद्राओं की आने वाले पूर्णिमा के दिन एक अच्छे कार्य करने हेतु आवश्यकता है। महामंत्री जी, अपने खजाने में से सभी स्वर्ण मुद्राओं को मुनिवर जी के चरणों में अर्पित कीजिए। नहीं नहीं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं, अभी आप उसे अपने पास ही रखिए, जब आवश्यकता होगी मैं जरूर बताऊंगा। क्यों नहीं मुनिवर, आवश्यकता पड़ने पर आपको सहायता आपको अवश्य मिलेगी। मुनिवर, मैं किसी और कार्य के लिए उसे उपयोग नहीं करूंगा। ये धन मेरे लिए बोझ के समान है, इस धन की रक्षा करने के लिए मेरे आश्रम में उत्तम व्यवस्था नहीं है। आपकी आज्ञा का पालन होगा मुनिवर। ठीक है राजन, आप और आपका राज सकुशल रहे। नक्षत्र, नक्षत्र, नक्षत्र जी। गुरुदेव, वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? मैं लकड़ी काट रहा हूँ गुरुदेव। लकड़ी काट रहे हो? हाँ। जिस प्रकार लकड़ी काट रहे हो उस प्रकार तुम नीचे गिरे तो तुम्हारी टांग टूट जाएगी। हाँ। शिष्य, जिस कार्य से गए थे उसका क्या हुआ? गुरुदेव, जिस कार्य से आप गए थे वो मैं कैसे बता सकता हूँ, ज्ञान दृष्टि से तो आप सब कुछ देख सकते हैं ना। हद से ज्यादा मत बोलो, जो मैंने पूछा है बस उसी का जवाब दो। आपके क्रोध के कारण ही मैं उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ, तपस्या शक्ति से तो आपने प्रकृति को ही बदल दिया। दुनिया ने मुझे सम्मानित किया, तुम वहाँ जा और हरिश्चंद्र के मुंह से किसी भी तरह एक झूठ बुलवाने की कोशिश कर। वो मैं तो क्या आप भी नहीं कर सकते गुरुदेव। नक्षत्र, क्रोधित मत होइए गुरुजी, वो बुरे भी नहीं है, हम बुरा कर भी नहीं सकते। तुम एक शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु, तुम्हारे पास ज्ञान नहीं ये मेरा अपमान है। इतनी ताजा ताजा प्रशंसा मत कीजिए। अरे मूर्ख नक्षत्र, क्या मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ? आपकी अंतरात्मा कह रही है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन आप नाटक कर रहे हैं। आपको मैं कुछ उद्देश्य दूं क्या गुरुदेव? तू अपना मुंह बंद कर। अरे मूर्ख, ज्यादा बक बक की तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शांत हो जाइए गुरुदेव, शांत हो जाइए। अच्छे लोगों को क्रोध आता है तो वे क्रोध आने से श्राप देते हैं, श्राप देने से पाप बढ़ता है। गुरुदेव मुझे माफ कीजिए, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, आपकी आज्ञा मेरे लिए भगवान है। भगवान, भगवान तुम्हें आज्ञा दे रहा है, जाओ। गुरुदेव, अरे राजा हरिश्चंद्र, कितना ताकतवर है तुझे मालूम नहीं है? जो भी लोग उसे टक्कर ले चुके हैं कहते हैं उसके पास अद्भुत शक्ति है। भयानक, तुम जाओ और उसके प्राण लेकर ही लौटना। अरे हरिश्चंद्र, अब याग का गोला तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, जा।
क्या हुआ? एक बुरी खबर लेकर आए हैं महाराज। बुरी खबर? हाँ। मुझे ये क्या सुनना पड़ रहा है? जिस तरह जंगली जानवर आकर भेड़ बकरियों को खा जाते हैं वो तो है, अब एक अद्भुत जानवर आया है और तबाही मचा रहा है महाराज। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस परिस्थिति में हम कैसे जिएंगे महाराज? जब परेशानी आती है तब धैर्य रखना चाहिए। हरिश्चंद्र अपने राज्य में परेशानियों को दूर करता रहेगा। आप लोग शांति पूर्वक घर जाइए, ये हमारा दायित्व तो है आपको हर मुसीबत से बचाना। शिकार पे जाना जरूरी है क्या महाराज? ये मेरा कर्तव्य है। बहुत सारे भयानक जानवरों की वजह से किसानों का नुकसान हो रहा है। वो कार्य आपके लिए कठिन हो सकता है महाराज। कठिन परिस्थितियों में हर कार्य को ठीक तरह से संभालना राजा का कर्तव्य है। मैं राज्य की सुरक्षा ठीक तरह से करूं, ये मेरा उद्देश्य है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं महाराज, इतने बहादुर शक्तिशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हूँ मैं, मुझे भय कैसा। पिताश्री, आप शिकार पर जा रहे हैं? हाँ रोहिताश्व। मैं भी चलूंगा। खेलने वाले बालक शिकार पर क्यों? मैं एक राजा का पुत्र हूँ। कल के राजा को आज खेलने की भी आवश्यकता है। मैं प्रस्थान करता हूँ, चलता हूँ राजकुमार। गुरुदेव, विजय हमारी विपरीत हुई, हम पराजित हुए। क्या हुआ? क्या कहूँ, सब कुछ अनर्थ हो गया है गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, उस हरिश्चंद्र के पास ऐसी शक्ति है कि गुरुदेव, जो कुछ भी आपने उत्पन्न किया था उन सबका उसने सर्वनाश कर दिया। ठीक है, तुम जाओ, इस कठिनाई को मैं स्वयं ही देखता हूँ। कन्या, तुम अपनी जवानी, खूबसूरती और वेशभूषा से राजा हरिश्चंद्र को आकर्षित करो, उसे अपने वश में कर लो और किसी भी तरह असत्य बोलने पर विवश कर दो। राजा, छल के मेरा यवन है, तुम पी लो राजा, अखियों में तुम ही बसे हो, सच्चे प्रेमी लगते हो, प्रियतम प्यारे राजा। सुर संगीत बिना जीवन बिल्कुल खाली खाली है, 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 सुर संगीत बिना जीवन बिल्कुल खाली खाली है। मेरे प्रिय, आपको हम ये अर्पण करते हैं। तुम लोगों का उद्देश्य मैं समझ गया महाराज। आइए मधु के नशे में खो जाइए महाराज। महाराज, महाराज, सभ्यता से यहाँ से चली जाओ। अगर मैं क्रोध में आ गया तो ये नहीं देखूंगा कि तुम सब कन्या हो। तुम लोग चली जाओ।
हाँ महाराज, हम जा रही हैं। हमें तो यहाँ विश्वामित्र जी ने भेजा था महाराज। अपमान करने का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। देख लेना। सुनिए गुरुदेव, आपको शायद ज्ञात होगा कि आरंभ से ही हमारी लगातार पराजय हो रही है। चुप बैठ मूर्ख, विश्वामित्र के साथ ये सब नहीं चलेगा। फिर भी आप जैसे तपस्वी कैसे घबरा सकते हैं? परंतु ये एक कड़वा सच है कि हरिश्चंद्र जैसा मनुष्य आपसे जीत जाएगा। गुरुदेव घबराओ नहीं, ये परीक्षा का अंत नहीं, ये तो आरंभ है। अगर मुझे विजय प्राप्त करनी है तो मुझे स्वार्थी बनने में भी किसी तरह का संकोच नहीं होगा। ये अन्याय है गुरुदेव, ये जंग आपके और वशिष्ठ जी के बीच है तो महाराज हरिश्चंद्र को क्यों दंड दे रहे हैं? ये तो एक कठिन परीक्षा है। हाँ, सत्य हमेशा कड़वा होता है। आपकी परीक्षा का परिणाम ही आपको परेशान कर रहा है। इस अग्नि को तेरे उद्देश्य की आवश्यकता नहीं है। अब चाहे आंधी आए या तूफान, विश्वामित्र की ये सत्य की परीक्षा अब रुक नहीं सकती है। सामान्य मनुष्य को परीक्षा देनी पड़ती है, इससे मैं उनका चरित्र निर्माण कर रहा हूँ। गुरुदेव, अपनी परीक्षा के समय अपनी पुरानी जानकारियों को याद रखिए। भयानक प्राणियों को आप भेजे थे, क्या हुआ? सब जलकर राख हो गए। बस करो, गुरु की अवहेलना छोड़कर उसका आदर करने वाले शिष्य बनो। ओहो, लटों में गांठ पड़ गई। इस गांठ को निकालते वक्त मैं कहां फंस गया? अगर जोर जबरदस्ती करके मैं इस गांठ को छुड़ा देता हूं तो मैं पापी हो जाता हूं, अगर नहीं छुड़ाता हूं तो सबसे अच्छा। आबरू के साथ खिलवाड़ करना इस राजा को शोभा नहीं देता। मैं ये करने में समर्थ नहीं हूँ। मैं अपने पुरखों के बताए हुए मार्ग पर ही चलने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझसे ऐसा कदापि संभव नहीं है। वो कलश को संभालने वाले पत्थर नहीं हैं, वो सुंदर कन्याएं हैं। शर्म को छोड़कर जब उन्होंने तुमसे आग्रह किया तो तुम्हें उन्हें क्यों धिक्कार दिया?
अगर उनका अपमान करने पर मुझे नर्क प्राप्त होता है तो मैं उसमें स्वर्ग के आनंद का अनुभव करूंगा। बहुत हुआ, विश्वामित्र को तुमने समझने में भूल की है। आपको समझना मेरे वश की बात नहीं। महर्षि, संपत्ति और साम्राज्य क्या है, आप मेरे प्राण भी मांगे तो भी अर्पित कर दूंगा। ओ, कर पाओगे क्या? ठीक है, देखता हूँ तुम्हारा ये गिरा हुआ साम्राज्य कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। ये हरिश्चंद्र सत्य को ही देव मानकर चलने वाला है, वो अवश्य करेगा। तो ठीक है, इसी क्षण अपना साम्राज्य बिना समय गंवाए तुम मुझे अर्पित कर दो। सूर्य देव को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर, सत्य निष्ठा से अपना साम्राज्य आपको सौंपता हूँ। जय हो हरिश्चंद्र, कर्तव्य का पालन करने वाले तुम ही हो। महाराज, महाराज, ऐसा क्यों किया महाराज आपने? अपने राज्य को दान में क्यों दे दिया? धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है महामंत्री। सूर्यवंशियों को देव की उपासना करने से ज्यादा धर्म का पालन करना ही उचित है। राजधानी में जाइए और विश्वामित्र जी का राज्याभिषेक कीजिए, ये मेरा अनुरोध है। हे मुकुट, तू उत्तम प्राचीन परंपरा से चलता चला आ रहा है, तुझे सारे लोग और प्रजाजन भी पहचानते हैं। अच्छाई पर बुराई की जीत ना हो, देश पर कोई आंच ना आए और किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, अगर मैंने सत्य का पालन करते हुए राज धर्म निभाया है तो मुझे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए। माता, मुझे क्षमा करना, मैं प्रशंसा पाने हेतु ये नहीं कर रहा हूं, सत्य का पालन करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। सत्य में अगर मेरी निष्ठा है, वास्तव में मेरा भगवान है, तो वही सत्य मेरी रक्षा करेगा। आज एक शिष्य अपने सद्गुरु को अपनी श्रद्धा और भक्ति से अपना सर्वस्व अर्पण कर रहा हूं। स्वीकार कीजिए मुनिवर, आज से अयोध्या के राजमुकुट की जिम्मेदारी आप पर है। राज सिंहासन पर विराजमान होकर मुझ पर कृपा कीजिए गुरुदेव। महान हो, महान हो तुम्हारी चंद्र, महान हो। अयोध्या नगर के मेरे प्यारे निवासियों, महाज्ञानी विश्वामित्र जी को राजमुकुट मैंने अर्पण किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। अग्नि को भी पार करने वाले वो कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, बल्कि असाधारण है, देव तुल्य है। लेकिन ये हरिश्चंद्र उनके समक्ष एक साधारण मनुष्य है। नहीं हरिश्चंद्र, जिसने प्रजा के मन को जीत लिया हो वो साधारण मनुष्य नहीं है। अगर त्यागी बनकर तुम राजमहल में रहोगे तो लोग तुम्हें भूल नहीं पाएंगे, इसलिए तुम अपनी पत्नी और बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारे राज्य की भलाई है, जाओ। आपने मेरी ज्ञान दृष्टि को खोल दिया, राजपाट का त्याग करते ही मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। सत्य हमेशा कड़वा होता है, परंतु दानवीर की पत्नी को इन आभूषणों की क्या आवश्यकता है? हाँ देवी तारा, अब हमें राज वस्त्र का त्याग कर देना चाहिए। देवी पुत्र रोहित, अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। आपके बगैर हम जी नहीं पाएंगे, चक्रवर्ती के बगैर यह समुदाय जी नहीं पाएगा, जरा सोचिए महाराज। महारानी, वहाँ देखिए लोग रो रहे हैं, मत जाइए, मत जाइए। मेरे प्रजाजन मत रोइए, संपत्ति, धन दौलत, राज्य, प्रशंसा, यह हमेशा साथ नहीं देता। मेरे भीतर के मन में आप सबके द्वारा दी गई शुभकामनाएं हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। पृथ्वी पर रहकर राज्य का नाम रोशन करें, यह हमारे पुरखों ने कहा है, यही हमारे सूर्यवंश की परंपरा है। प्रस्थान करते हैं। ठीक है महाराज। हरिश्चंद्र, अब मेरे लिए क्या सेवा है?
ओ, लगता है कि तुम भूल चुके हो, दान के लिए मांगी हुई मुद्राएं तुम्हारे ही पास हैं। जाते जाते वो मुद्राएं भी हमें अर्पित कर दो। हाँ है, मेरे पास ही हैं। तो फिर बिना विलंब वो मुद्राएं मुझे सौंप दो और जहां जाना चाहते हो चले जाओ। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, जिस समय आपने वचन लिया था उसी समय अगर ले लिया होता तो मेरी ये अवस्था नहीं होती। अब मैं एक गरीब भिखारी हूं। हरिश्चंद्र, तुम्हारी सत्यता अब तुम्हारा साथ छोड़ रही है। पिछले महाराज के खजाने में वो धन है, आप किसी को बुलाकर वो ले लीजिए मुनिवर, और मेरे प्रभु को छोड़ दीजिए। तारामती, तुम स्वयं ज्ञानवती हो, क्या धर्म मुझे सीखने की आवश्यकता है? यदि तुम्हारे स्वामी के यही विचार हैं, तो मुझे कोई संकोच नहीं, परंतु राज्य और राजनीति किसी को दान में दे देने के पश्चात उस वस्तु पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रह जाता, यही धर्म है। मुनिवर सही कह रहे हैं देवी, राज्य को दान में देने के बाद उस पर हमारा अधिकार नहीं रह जाता। गरीब होकर भी तुम्हारी बातें राजा की तरह हैं, क्या कोई कह सकता है कि अब तुम राजा नहीं रहे? क्षमा कीजिए मुनिवर, आपका जो ऋण मुझ पर शेष है वो चुकाने के लिए भूला नहीं हूं मैं। क्यों इतना चिंतित हो रहे हो? मैं तुम्हें एक महीने का समय देता हूं, कुछ भी करो लेकिन मेरा ऋण मुझे लौटाओ। मुनिवर, समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे साथ मेरा प्रिय शिष्य नक्षत्र भी जाएगा। जो धन तुम मुझे देने वाले हो वो धन समय पर हमारे शिष्य को दे देना। हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया, ये एक साधु है, इसके भोजन में किसी प्रकार की कमी न रहने पाए। आपकी आज्ञा का पालन होगा, हम प्रस्थान करते हैं। आयुष्मान भव। नक्षत्र। कहिए गुरुदेव। तुम जाओ, हरिश्चंद्र की परछाई बनकर उनके साथ रहना और उन्हें सत्य की राह से विचलित करते रहना। यदि वो रोए गिड़गिड़ाए तो भी दया मत दिखाना। एक प्रश्न है गुरुदेव, कृपा करके आप सुनेंगे? ऐसा कौन सा प्रश्न है? ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में रहने वाले शिष्य गुरु मार्ग पर चलकर वेद वेदानम विज्ञान विज्ञानम गुरुजी से पढ़ रहे हैं, परंतु मैं गलत मार्ग पर जा रहा हूं। नक्षत्र, गुरुदेव को हरिश्चंद्र के मुंह से असत्य बुलवाना है और मैं उस पर उनका साथ दे रहा हूं। नक्षत्र, यदि मैं अपने लक्ष्य में विजयी हुआ तो वशिष्ठ मुनि की महाविद्या क्या, तुम्हें उससे भी बड़ा ज्ञानी बनाऊंगा। जाओ, मैं जो कहता हूं वो करो। वैसा ही होगा गुरुदेव, मैं आपके तलवार की ढाल हूं गुरुदेव, आपने मुझे आगे किया मैंने वह रोक लिया, वैसा ही होगा। ये लीजिए। हरिश्चंद्र। मेघारे सुनो, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य की ये यात्रा है कठिन, सत्य को कायम रखना कठिन है, होगा क्या बताएं आने वाला समय, यात्रा है कठिन सत्य की ये, होगा क्या बताएं आने वाला समय। राजपद को त्यागने वाला महाराजा ये त्यागी वंश से आया है हरिश्चंद्र ये, कैसी ये कठिन परीक्षा कैसा कठिन समय, जिंदगी में इसकी ये आया कैसा समय। अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जाएगा स्वामी। गरीबों के दुख दर्द को समझो। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, और चक्कर आ रहा है। रथ पर भ्रमण करने वालों को पैदल चलना भी आना चाहिए, चलो उठो, सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है स्वामी, जब स्थिति ऐसी है तो हम इसे जरूर स्वीकार करेंगे। पुत्र रोहित, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर ले चलता हूँ।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। छोटे से बालक को तो तुमने उठा लिया है। मैं समझ नहीं पाया। नहीं समझ में आ रही है, उसी का पैर दुखता है, मेरा पैर नहीं दुखता क्या? मेरे भी पैर दुख रहे हैं। क्रोधित मत होइए, आप बताइए मैं क्या करूं। मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, अब मैं नहीं चल सकता। थोड़ा धीरज धरिए। सहन भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता हूँ। तो फिर आप बताइए मैं क्या करूं। मैं क्या बताऊं, मुझे उठाओ, बच्चे को नीचे उतार दो। वो छोटा बालक है। हाँ, वो छोटा बालक है, पर मैं बड़ा बालक हूँ। बोलती हो बड़ी, चलो उठाओ। मुझे भूख लग रही है। थोड़ा सब्र कीजिए, वो आते ही होंगे। माँ, रानी माँ सब तुम्हें कहते हैं। इस तरह रहोगी तो चलेगा क्या? कैसे चलेगा? सच झूठ, अगर एक झूठ बोल दोगी तो सब मुक्ति पा जाएंगे और तुम्हारी समस्या भी हल हो जाएगी। नहीं नहीं, मेरे स्वामी को इतना कष्ट मत दीजिए, मैं आपके भोजन के लिए कुछ करती हूँ। हे माँ अन्नपूर्णी, सदैव सत्य की राह पर चलना ही हमारा लक्ष्य, उसे निभाने का मार्ग दिखाओ। माँ, बड़ी कठिनाई से मांग रही हूँ माँ, मेरी मदद करो माँ, मदद करो। अम्बे मोहिनी देवी माँ त्रिभुवनी आनंद संग्राहिणी वाणी कल्याणकारिणी, मैं दुखिया मेरी सुन प्रिया मोहिनी, कल्याणी सुन ले पुकार माँ, दुष्टों को सहारिणी हे करुणामय माँ वत्सला, भगवती श्री राज राजेश्वरी। माता, चार, दस, चौदह, पच्चीस, अरे बाबा गिनती नहीं हो रही या, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। देखो माँ, ये लो रोहित बेटा, खा लो। अच्छा रुको, ये लो, अब तुम तो खा लो। कृपा करके जिद ना करे, जब तक वो नहीं खाते हम दोनों नहीं खा सकते हैं। उसके खाए बिगड़ तुम रह जाओगी, देखता हूँ। गलत है आपको, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, आप सब कुछ जानते हुए भी ये कह रहे हैं। सत्यता को बचाने के लिए देश की भलाई न देखकर उसने अपनी पदवी का दान कर दिया, उस समय तुम्हें उसे रोक लेना चाहिए था। दान पर अंकुश लगाने का अधिकार पत्नी को नहीं है, पति के निर्णय पर पत्नी कभी कभी रोक नहीं लगा सकती। ये सच है, उस समय तुमने उस पर रोक नहीं लगाई। मैं एक बात कहता हूँ,
सुनो, तुम्हें और रोहित दोनों को मैं राज्य में रखूंगा। हरिश्चंद्र, उसे भाड़ में जाने दो। नहीं नहीं, कृपा करके हमें परेशान ना करें। स्त्रियों में बुद्धि कम होती है, ये तुम पर लागू होता है। सच है, रहने को ठिकाना नहीं, खाने को खाना नहीं। बुद्धि से काम लो, हरिश्चंद्र को छोड़ दो। हमारे प्रभु शिव, उनके पास रहने को देश नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, फिर भी देवी पार्वती ने उन्हें नहीं छोड़ा। शाबाश, पार्वती के समान तुम तारामती हो। क्या ठीक है, रहने दो। अगर तुम्हारा यही भाग्य है तो मैं क्या करूँगा, ऐसे ही रहो, रोती रहो। क्षमा कीजिए महोदय, भोजन के लिए कुछ भी नहीं मिला, इसीलिए पीने हेतु मैं जल ले आया। अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। एक सत्यवान त्यागी की पत्नी है ना तारामती, उसने मुझे भोजन करा दिया और तुम जल दे रहे हो, अब मेरे लिए ये काफी है। देवी, आप भोजन कहाँ से लाई? हमारी रक्षा करने वाली माँ से मांगा था। आह, इस भोजन से मेरी आत्मा प्रसन्न हुई और अब थोड़ा विश्राम। क्षमा कीजिए महोदय, उस तरफ एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है, आइए उस तरफ चलते हैं, वहां विश्राम करते हैं। चलो देखते हैं। चलो भाई, ये भी बहुत वजन है। चल रहा है, चल रहा सत्यवादी, चल रहा है छाले पड़े पैरों से हरिश्चंद्र। ये सब कुछ चला गया है, सत्य को निभा रहा है, सत्य को निभाने है तू चल रहा। सब कुछ चला गया है, सत्य को निभा रहा है, सत्य को निभाने है तू चल रहा। धर्म पत्नी कोमलांगी धर्म को निभा रही है, प्यारा बेटा संग धूल खा रहा। Thank you.
पिताश्री। मुसीबत चल गई। हे भगवान, अरे प्रभु, मुसीबत थी? कितनी आसानी से कह रहे हो। वो राक्षस मुझे कीड़े की तरह कुचल डालता, गुरुजी के कहने पर मूर्खों की तरह यहाँ आ गया। ये अवस्था कहाँ से आई? राक्षस के हाथों मरने से अच्छा था भूख से मर जाता। अब इस जंगल में एक क्षण भी नहीं रुकेंगे, चलो यहाँ से चलते हैं। अब चिंता की कोई बात नहीं है महोदय। नहीं नहीं, परेशानी टली भी नहीं और ये शरीर सहन भी नहीं कर पाएगा। मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। भैया, अरे संग आने का इतना बड़ा दंड, मुझे विश्वास नहीं, बिल्कुल विश्वास नहीं। मुझे जाना ही है, मैं जा रहा हूँ। प्रातः होते ही हम यहाँ से चलेंगे। नहीं माँ, नहीं, तुम भी धन्य हो, तुम्हारे पति भी धन्य है। जितनी जल्दी हो मैं ये जगह छोड़ देता हूँ। शीघ्र चलते हो तो चलो, नहीं तो मैं चलता हूँ। आओ हम सब भी चलते हैं। दिखाओ विकराला, अम्बे जय ज्वाला, रूप दिखाओ विकराला। कितनी परीक्षाएं देनी पड़ेगी बेटी तुम्हारे, कब तक दुख से लड़ेगी। हे ईश्वरी अभय करुणामयी जगदम्बिके, माँ तू ही दयामयी, रक्षा हमारी सदा तुम करना। माँ लाज हमारी तुम रखना। करुणामयी अदिन्ते नमदे धर्मम्। अदिन्ते नमदे धर्मम्। ईश्वर तुम्हें नमन हो। देवी शांत रहो, इतनी क्रोधित क्यों? मर जाऊंगी फिर भी नहीं सुनूंगी, किस लिए इतना चिल्ला रहे हो? शिक्षा देने को क्या चिल्लाना कहते हैं? औरत एक माया का प्रतीक है, अपने रूप से भगवान को भी अपने वश में कर लिया। मत बोलो ना। ठीक है शिष्य, जाओ घर जाओ। प्रिय प्रिय देवी, उठक बैठक करता हूँ, तुम गिनती करोगी क्या? मैं क्या शिक्षक हूँ, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्यों जा रही हो? कभी मैंने तुम्हारा अपमान किया है क्या? खाना बना के रख दो तो खाने चले आते हो। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या घर की नौकरानी हूँ? देखो कितनी पतली हो गई हूँ, देखो ना।
दिन भर रसोई घर में काम करो, ऊपर से तुम्हारे बच्चों का शोर, मैं तो परेशान हो गई। हटो। प्रिये, क्रोधित मत हो कौशल्या, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। फूलों के साथ तुमसे प्यार करने का मन कर रहा है। मीठी मीठी बातें करके अपना काम करवा लेते हो। एक बच्चा भी नहीं हुआ और घर का काम करने के लिए नौकरानी भी नहीं है। मैं ही सारा दिन खटती रहती हूँ, तुम्हारे इस घर में काम करती रहती हूँ। अच्छे से रो कौशल्या, तुम्हारा रोना संगीत है और चलना नृत्य करने जैसा है। मैं किसी तरह नौकरानी का बंदोबस्त करता हूँ और घर के काम में लगाता हूँ। फिर झूले पर बैठकर तुम भी झूलोगी और मैं भी झूलूंगा। झूले पर मुझे झुलाने की जरूरत नहीं, घर का काम ठीक से करो, वही बहुत है। मैं उसे संभाल लूंगी पर वो तुम्हें ना संभालने लगे। मैं मर्द का बच्चा हूँ। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियम अनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। शिव शिवेति 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 वा, हर हरेति 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 वा, भजमन भजमन शिवमेव निरंतरम्। अति उत्तम महाराज, अति उत्तम। परेशानियों में डूबे रहने के कारण गुरुदेव को दिया हुआ वचन भूल गए क्या? निर्धारित समय से पहले ही मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, थोड़ी करुणा कीजिए। ओह, कर सकते हैं, परंतु मेरा समय तो खत्म हो रहा है, कर्ज का क्या होगा? आपका कथन सत्य है, परंतु इस संबंध में कोई भी मार्ग मुझे नहीं सूझ रहा है महोदय। मुझे एक उपाय सूझ रहा है। मुझ पर कोई कर्ज नहीं, बस इतना कह दोगे तो गुरुदेव के कर्ज से मुक्ति पा जाओगे। ये क्या कह रहे हैं? पराजय को मानकर महान सूर्यवंश की परंपरा को कलंकित करने को कह रहे हैं? क्या यही उपदेश दे रहे हैं आप मुझे? ठीक है, तो तुम बने रहो सत्यवादी। स्वामी, बिल्कुल संकोच ना करें। अपनी पत्नी को बेचकर ही इस समस्या का निवारण कीजिए। तुम्हें बेच दूं तारा रानी? प्रभु। रानी, कुलीन राज घराने में जन्मी, अरमानों से पली बड़ी राज्य परंपरा के पुत्र वधु, इसके पहले अयोध्या के राज घराने की महारानी थी। तुम्हें बेच दूं? अपने प्राणों को बेच दूं? सत्य का पालन करने में राज मुकुट, राजनीति, पदवी, सब कुछ आपने त्याग दिया। मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, मुझे बेचने में क्या संकोच? बेच दीजिए मुझे। प्रिय, मेरी बात मानिए स्वामी, राज और राजनीति में मैं यदि गुलाम बन गई तो संकोच नहीं। मैं अगर बिक भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्वामी के हृदय में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। ऐसी दयनीय स्थिति मेरी ही क्यों? क्यों? मेरी समझ में नहीं आता। ब्रह्मा, इतनी कठिन परीक्षा क्यों? इससे अच्छा तो मृत्यु ही आ जाए। ऐसा मत कहिए स्वामी, अपना विश्वास मत खोइए। ये समय खराब है, शायद आगे अच्छा हो। हाँ, चलो चलो, रहने दो रहने दो। हाँ। मुनिवर परीक्षा ये ले रहे, कर्ज उनका चुकाना है, राह कोई ना रहे, पास में पैसे नहीं, कुछ क्या करूं सूझे नहीं, क्या कहूं किससे कहूं, कुछ बस में है मेरे नहीं।
जितने लाख सोने की मुद्रा दूंगा उतने लाख मेरी बीबी मुझे जूते मारेगी। नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। महोदय, सज्जन लोगों की तरह मैं आपकी पत्नी की सेवा करूंगी। तुम्हें देखकर मुझे दया आ रही है, लेकिन मेरी बीबी मुझे मार डालेगी। नीलकंठ, मुझे कहाँ फंसा दिया? मुझे आप खरीद कर मेरे पति को कर्ज से मुक्त कराइए। ठीक है। शिष्य। क्या गुरुदेव? मुद्राएं दे दो। ठीक है गुरुदेव। ठीक है, चलो मेरे साथ। अपने जीवन में मैंने ये पूज्यवर श्रीमान, सेवा करने में मेरी पत्नी कभी शर्म नहीं करती, पीछे नहीं हटती। जीवन में कभी उत्थान तो कभी पतन का समय अवश्य ही आता है। कल I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself.
over my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you get me out and fire. You're gentle and wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me feel that I. You whip up my appetite. ऐसा मौका फिर नहीं आएगा सज्जनों। ये गधे की तरह आपके घर का सारा काम करेगा। ये बहुत शक्तिशाली है, खरीद लीजिए, इसे बेच रहा हूँ। कौन यहाँ पे गुलाम है? अरे अरे क्या बदबू है। ये देखो इसे ही बेचने जा रहा हूँ। किसको? इसको? अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, क्या तुम अंधे हो? क्या तुम खरीदोगे? ऐ, तुमको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं प्रेतों का महाराज हूँ। महाराज हो? तुम पहले नशे से बाहर आकर फिर मुझसे बात करो। पैसा दोगे तो भी तुम्हें नहीं बेचूंगा। जाओ, पीछे मुड़े बगैर चले जाओ। गुलाम बिक रहा है, आओ आओ। जो गधे की तरह काम करेगा ऐसे आदमी को बेच रहा हूँ। चिल्लाओ मत महाराज, मैं यहाँ खड़ा हूँ। तुम लोगों को क्यों बुला रहे हो? कौन खरीदेगा इसे? राजा हो तुम? ये हट्टा कट्टा आदमी मेहनत से काम करेगा और वफादारी भी करेगा। क्या? थोड़ा भाव इसका ज्यादा है, सिर्फ 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। अच्छा? हाँ, और 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। हेलो लाख। हाँ? हेलो पूरे पूरे 1,00,000 मुद्राएं। मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने जाना नहीं। ये लो आपका गुलाम, ले जाओ। इधर आ। तुम्हारा नाम क्या है? हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, अयोध्या का महाराजा? नहीं, तुम अब से मेरे गुलाम हो। आज से तुम शमशान के पहरेदार हो। ये लो पकड़ो। ये कंबल भी पकड़ो। ला दे ये पानी की मटकी। चलो रे। गुरुदेव, हे गुरुदेव। सदपुरुष मुनि, इस गरीब का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस बीच इतने दिन आप मेरे साथ रहे, मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। हे भगवान, भले मनुष्य की ऐसी अवस्था, राज्य को चलाने वाला राजा हरिश्चंद्र आज शमशान का पहरेदार है। हे भगवान, और इस कठिन परीक्षा में मैं भी शामिल हूँ। मनुष्य के पद को ऊंचा उठाने वाले भगवान, मुझे क्षमा करना। बीते हुए कल को भूल जाएं और धैर्य से काम लें। मेरे लिए सत्य वचन पालन ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जो कुछ भी कर्ज अयोध्या निवासी हरिश्चंद्र पर था, उसने उसे चुका दिया। अब मैं अपनी राह पर जा रहा हूं। इस राह पर भी मैं हमेशा अपने सत्य का पालन करता रहूंगा। हे महाराज, तुमने अपनी अंतरात्मा से कितने कष्ट और कितनी तकलीफें सही, कितनी गंभीर अवस्था आई कि आप अपनी पत्नी और बेटे को भी बेचने पर विवश हो गए, और मैं कितना पापी हूँ आपको शमशान वाले के हाथों बेच दिया। मेरे पापों का प्रायश्चित नहीं है महाराज। इतने चिंतित मत होइए। आपको गुरु द्वारा बताए
मार्ग पर ही चलना चाहिए, यही आपके लिए उचित है। अपने आप को महान समझिए। महोदय, विधाता के होने को भला कौन टाल सकता है? ब्रह्मदेव के इस नाटक के हम सभी पात्र हैं। महाराज विश्वामित्र को इस गरीब का प्रणाम, मेरा सद प्रणाम। आपका सत्य मार्ग और आपका त्याग कभी खत्म नहीं होगा। आपको प्रणाम है, आप धन्य हैं, धन्य हैं। महोदय, आप मुझे महाराज कहकर लज्जित ना कीजिए। चलता हूँ। अब आप यहाँ से चले जाइए। चलता हूँ महाराज। आप सत्य को निभा रहे हैं और सत्य ही आपकी सहायता करेगा। आओ, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? आपने अपनी करुणा को खो दिया है गुरुदेव। वो भला हरिश्चंद्र जिस तरह मेरे साथ रहा, उसने मुझे परिवर्तित कर दिया। तुम परिवर्तित हुए उस बात को छोड़ो, अपना हिसाब बराबर हुआ क्या? हो गया गुरुदेव, उसने आपका हिसाब बराबर कर दिया और ये उस हिसाब की राशि है। कितने संतोष की बात है नक्षत्र। मैं संतोष करने की स्थिति में हूँ क्या? संतोष तो महाराज हरिश्चंद्र को है जिसने अपने सत्य वचन का पालन किया। ये कैसा न्याय है गुरुदेव? मेरे शिष्य होकर तुम मुझसे प्रश्न कैसे कर सकते हो? यह अनुचित है। हम परीक्षा ले सकते हैं, दया नहीं कर सकते। अपने अहंकार के लिए मुझसे इतना बड़ा पाप करवाया। चुप रहो, ये एक परीक्षा है। विश्वामित्र की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई है। क्या कह रहे हैं, परीक्षा समाप्त नहीं हुई? और कितनी परीक्षा लेंगे आप? राजरानी अपने पुत्र के साथ नौकरानी का काम कर रही है। हरिश्चंद्र शमशान का पहरेदार बन गया और इतने कष्टों के बाद भी आपकी परीक्षा का अंत नहीं। तुम्हें कुछ नहीं पता, ये विश्वामित्र सत्य को असत्य साबित करेगा तथा अपने उद्देश्य में सफल होगा। सत्य है क्या? हाँ नक्षत्र, पत्थर को तराशते तराशते ही तो हीरे की प्राप्ति होती है। मतलब उसे और कष्ट सहने पड़ेंगे। लक्ष्य राजा हरिश्चंद्र का, परंतु विजय विश्वामित्र की। एक लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु न जाने कितने बड़े बड़े और विकट महासागर पार करने होते हैं। ये युद्ध महर्षि विश्वामित्र और धरती के साधारण मनुष्य हरिश्चंद्र के मध्य है, जो अद्भुत है। आओ मेरे प्रिय शिष्य नक्षत्र, आओ हम अपने उद्देश्य की तरफ चले। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसकी कहानी सुनो। अरे चित्र सा हो गया उसका जीवन, दुखी वाणी सुनो। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, उसकी कहानी सुनो। अरे चित्र सा हो गया उसका जीवन, दुखी वाणी सुनो। कितनी आए मुसीबत, सत्य न छोड़ूंगा। चाहे कितनी आए मुसीबत, सत्य न छोड़ूंगा। अरे लाखों लोगों जैसा हूं मैं भी, प्रण ना तोड़ूंगा। अरे लाखों लोगों जैसा हूं मैं भी, प्रण ना तोड़ूंगा। अरे कब तक ये दुख सहूंगा। पत्नी पुरुष की होती अर्धांगिनी, कर्तव्य से वो धर्म की निधि।
पत्नी पुरुष की होती अर्धांगिनी, कर्तव्य से वो धर्म की निधि। राज रानी थी वो भूल गई है, बन गई देखो वो त्यागिनी। राज रानी थी वो भूल गई है, बन गई देखो त्यागिनी। भाग्य तो बदले योग भी बदले, सत्य न पर बदलेगा। भाग्य तो बदले योग भी बदले, सत्य न पर बदलेगा। सत्य की राह पे चलने वाले अति उत्तम मानव का। अरे भाग्य ये है पर एक दिन सुख का, सूरज फिर निकलेगा। क्यों महारानी? बर्तन साफ किए, कपड़े धोए, बाकी का काम क्या मुझे करना पड़ेगा? Thank you.
बेटे रोहित, भूख लगी है ना? खाना खाओ, खाओ। ओहो, पिछवाड़े आकर चोरी से खाना खिला रही है, इतनी हिम्मत, अभी बता दो। हाँ हाँ हाँ, क्यों क्रोधित होती हो भगवान, खाने दो ना, बचा हुआ खाना तो है। किस लिए? छोटा बालक है ना। छोटा बालक है, लाख मुद्रा देकर खरीदा है दोनों को। अपने गुस्से को यहाँ क्यों दिखा रही है? क्या, चलो खालो खालो। खाली मटके की कोई औकात नहीं, उसी तरह जिसके पास धन नहीं उसकी कोई हैसियत नहीं। शव को जलाते जलाते हाथों में छाले पड़ गए। यहां पर किसी की सेवा कर रहा हूं, परंतु आने वाला कल मेरी राह देख रहा है। मेरा बीता कल मुझे हर समय झकझोरता रहता है। इस शमशान भूमि पर पापी भी आते हैं और पुण्य आत्मा भी। जो भी जन्म लेता है उसका अंतिम स्थान यही है। जात नहीं, पात नहीं, हर किसी को आखिरकार यही आना है। हमारे धर्म ग्रंथ यही कहते हैं, मरने पर शरीर शव बन जाता है और अग्नि उसे राख बना देती है। सत्य धर्म का पालन करने हेतु मेरी ये स्थिति, यदि असत्य बोलता तो ये समय नहीं देखना पड़ता। सत्य राह पर चलने के कारण मेरी ये अवस्था हो गई है। इतने दुखी और उदास क्यों हो? कुछ नहीं प्रभु। खुश हुआ, तुम्हारे ऊपर मुझे दया भी आती है और सम्मान भी आता है। सभ्यता से भी रहते हो और मेरे मन को भी समझते हो, जो हुक्म देता हूँ शुद्ध मन से काम करते हो। ये तो मेरा कर्तव्य है, मालिक की सेवा करना मेरा परम धर्म है। मैं खुश हुआ, तुम्हारा घर बार, तुम्हारे बीवी बच्चे की याद तुम्हें नहीं आती क्या? जल्दी बताओ। हाँ। इस भूलोक पर कुछ भी कायम नहीं है, प्रभु का हिसाब भी कितना विचित्र है। जिसे जैसा दिया है उसे वैसा ही प्राप्त होगा, वो पत्थर की लकीर है। ऋषि राजा बनता है और राजा निर्धन, इस तरह की विषम परिस्थिति क्यों? क्यों इस भूलोक पर इतने पात्र निभाने पड़ते हैं? किस समय, किस वेश, किस नाटक को, किस मनुष्य को करना है, इसका अंतिम निर्णय उसके ही हाथों में होता है। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात् नमेश्वर। तुम पूजा घर में क्यों आए? चलो बाहर जंगल में जाओ। जंगल में जाने से डर लगता है। डर लगता है? तीन वक्त की रोटियां तोड़ते वक्त तो डर नहीं लगता तुम्हें? मार भूल गया पिछली? क्यों रे, पेड़ की तरह बड़ा हो जाएगा और राजा की तरह जीना चाहता है तू। जानता है ना, लाख मुद्राएं देकर तुम दोनों को काम के लिए खरीदा है हम लोगों ने। जानता हूँ माँ। तुम्हारा क्रोध शांत हो गया, ठीक है। हे भगवान, कैसी भारिया मिली है। अधिकेशा, गौरीशा, बालक यहाँ आओ। क्या गुरुदेव? बच्चों, तुम सभी रोहित के साथ जाकर तुरंत आओ। जाओ बेटा। ठीक है गुरुदेव। हे, उठो। प्रणाम गुरुदेव। उधर देखो, हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व लकड़ियां बटोर रहा है। तुम जाकर उसे डस लो, जिससे वो मूर्छित हो जाए। जिसकी पीड़ा से वो एकदम व्याकुल हो उठे। ये तो अन्याय है मुनिवर, इस पाप को मैं कैसे कर सकूंगा? मैं तो भूलोक पर सबकी रक्षा करने वाला एक नागराज हूँ। सामान्य मनुष्य में प्रविष्ट होकर मैं उस बालक को कैसे मूर्छित कर सकता हूँ? मुझे ऐसा करने पर विवश मत कीजिए।
नहीं मुनिवर, नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं मानता। चुप रहो, बहुत अधिक गुरूर है तुमको। तुम्हें नहीं पता विश्वामित्र जब चाहे जो चाहे कर सकता है। क्यों मूर्खता कर रहे हो? जो कहता हूँ शीघ्रता से करो, अन्यथा मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्षमा कीजिए मुनिवर, आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। क्या हुआ बच्चों? आप लोग यहाँ? रोहित कहाँ है? उसे सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया? मेरे बच्चे, मेरा बच्चा कहाँ है? जंगल में बेहोश पड़ा है। हे प्रभु, कष्ट की कोई सीमा ही नहीं। मेरा बेटा अकेला है। मालकिन, 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 मेरे रोहित को सांप ने काट लिया है, मुझे उसे देखने जाने दीजिए। चुप रहो, तुम झूठ बोलोगी और मैं मान जाऊंगी। इतनी कठोर मत बनिए मालकिन, इस अभागन पर दया कीजिए। एक बार अपने बेटे को देखने जाने दीजिए मालकिन, जाने दीजिए। ये सब नहीं चलेगा, ऐसा बोलकर तुम दोनों यहाँ से भाग जाओगे। नहीं, मैं नहीं फंसूंगी। लाख सोने की मुद्राएं दी है, नुकसान होगा। प्रिय, मैं हूँ ना, फिर क्यों चिंतित हो रही हो? जाने दो उसे, जाओ, लेकिन लौट के जल्दी आना। हाँ, उसे जाने दिया मेरे सामने? इतनी हिम्मत, इतनी हिम्मत, इतनी इतनी हिम्मत? जाने दिया, जाने दिया। रोहित, रोहित, रोहित बेटा, रोहित, उठो, देखो माँ आई है। उठो, उठो मेरे बच्चे, बात करो, मुझसे बात नहीं करोगे? उठो मेरे बच्चे, उठो। क्या हुआ? शरीर ठंडा पड़ गया? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरा बच्चा चला गया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर, राज्य को छीना, पति को छीना, सब कुछ छीना। मैं कुछ नहीं बोली, परंतु अब मेरे प्यारे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मेरे बच्चे, उठ जाओ, मुझे देखो, बात करो मुझसे। मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं मर जाऊंगी। मेरे बच्चे, बच्चे उठो, बात करो ना। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैंने तुम्हें पाला है, बड़ा किया, बात करो मुझसे। नहीं बोलोगे क्या? मुझे छोड़कर मत जाओ, इन्हीं हाथों से तुम्हें पाला है। मेरी चिता को आग दोगे, ऐसा सोचा था। सत्य के यज्ञ में मैंने सहायता की, पर तुम्हें नहीं बचा पाई, भूल गई मैं, माफ कर दो।
असत्य और झूठ की इस दुनिया में सत्य को कायम रखने के लिए कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इसीलिए भगवान ने सभी को सत्य राह पर चलने के लिए कहा है। मैं दुनिया को एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसीलिए अब तक मैंने असत्य वचन नहीं कहा। सत्य को संसार ने भुला दिया है। विश्व में हर किसी को सत्य राह पर ही चलना चाहिए। कठिनाइयां अब मेरे पास मत आओ, अब बस करो, मेरा पीछा छोड़ दो। सो जाओ प्यारे, ओ मेरे राज दुलारे, कैसे हो आए, कैसे तुम सो गए, कैसी दुर्दशा तुम्हारी। गर्भ में आए तीसरे महीने, चौथे महीने तुम्हें गर्भ में महसूस किया, पढ़ने लगे तुम पांचवें महीने, वजन बढ़ा था छठवें महीने, खाया मैंने तुम्हें मिले सातवें महीने, बहुत संभाला तुम्हें आठवें महीने, जन्म दिया तुम्हें नौ कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था, मैं पापी हूँ। क्या इस शमशान में तुम अकेले यहाँ पर रो रही हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई सगा संबंधी नहीं आया क्या? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, मैं एक अनाथ और बेसहारा हूँ, कोई नहीं हमारा। ये शव किसका है? मेरी कोख से इसने जन्म लिया है, मेरा पुत्र है ये, आज मुझे छोड़कर चला गया। रो मत, शमशान भूमि का किराया देकर हम इस शव को जला देते हैं, बाकी का सब कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो देवी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं यहाँ सेवक हूँ, मुझे तुम पर दया करने का अधिकार नहीं है। मालिक का जो आदेश है उसके विरुद्ध जाकर मैं किसी प्रकार की तुम्हारी कोई सहायता मैं नहीं कर सकता। आदेश अधिकार, एक अनाथ के लिए भूल जाओगे तो दया होगी मुझ पर? शमशान भूमि पर दया की कोई जगह नहीं होती, परंतु ये तुम्हारी आवाज मेरी पत्नी की लग रही है, क्यों ये बदलाव कैसा? ये परीक्षा तुम्हारी है या मेरी है? ये भगवान से पूछिए, मेरे भगवान, मेरे प्रभु कहाँ है मैं भी नहीं जानती। ये हमारा प्रथम पुत्र है, इसे मैंने तब से प्राप्त किया है, और सभी को मैंने प्राप्त किया पर इसे खो दिया। तुम्हारी कहानी मेरी अंतरात्मा को छू गई है, इसीलिए इंसानियत की वजह से मैं तुम्हें छूट देता हूँ। मेरे हिस्से का कपड़ा और चावल तुम मुझे मत दो, परंतु मेरे मालिक को मुझसे प्राप्त होने वाला जो किराया है उसमें एक रुपया भी छूट मैं नहीं दे सकता, ये मेरे अधिकार में नहीं। परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र तो है, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सभ्यता है तो उसे बेच दो और यहाँ का कर चुका दो। मंगलसूत्र मेरा सुहाग है, मुझसे पूछ रहे हो? तारामती, स्वामी, तारामती, प्रभु, मेरे स्वामी,
तारामती। स्वामी। कैसे हो? ये कैसा मिलन है? देखिए स्वामी, अपना पुत्र रोहित। हमें छोड़कर चला गया, वो नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे पुत्र, नहीं। हाँ, कहाँ चले गए तुम? कहाँ जाऊँ अब मैं? राजा का पुत्र आज अनाथ शव हो गया। सत्य पालन करने पर किसी परिवार की ऐसी दुर्दशा होती है, ये कहाँ का न्याय है दाता? लोगों पर दया दिखाने वाले आज रो रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। स्वामी, राजे सिंहासन भी नहीं दे सके, स्मशान भूमि का खर्च भी नहीं दे सकते, इतनी दरिद्र स्थिति है हमारी। नहीं देवी, जीवन में ऐसी अवस्था आ सकती है, परंतु हमें धर्म पालन अवश्य करना है। जाओ, कर ले कर आओ। कितने कितने कठोर हो गए हैं आप। आपके पास हृदय भी नहीं रहा, आपके पास प्यार, दया, माया, स्नेह, करुणा कुछ भी नहीं है। नहीं, सदा सत्य वचन पालन करने वाला हरिश्चंद्र शमशान भूमि का पहरेदार है। मैं अपने मालिक से धोखा करूं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊं, मैं ये असंभव है। शमशान भूमि में निर्धारित कर चुकाए बिना मैं तुम्हें शव को किसी भी तरह जलाने नहीं दूंगा। तारामती, जाओ, कहीं से भीख मांग कर लाओ। नहीं, झूठ बोल रही हो। चलो राजा के पास चलकर कहो। मैं निरपराधी हूँ। नहीं, चलो हमारे साथ। चलो, 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 साथ, चलो। नहीं, छोड़ दो। राजमहल में शुरू हुआ जीवन, वो जीवन आज शमशान भूमि पर खत्म हो गया। शमशान भूमि पर खत्म होता है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं। धर्म को मैं किस तरह निभाऊं? जिस धर्म को मैंने निभाया उसने मेरा साथ नहीं दिया। जन्म दिए पुत्र को बलिदान देकर उसके शव पर रो रहा हूं। कैसे और किस तरह मैं इसे जला पाऊंगा? मैं तो पापी हो चुका हूं, ऐसी स्थिति क्यों आई? ये सत्य वचन निभाने के कारण है या मेरे
पूर्व जन्मों के पापों का फल भगवान। नहीं नहीं मैं कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता। शमशान भूमि के रखवाले वीर बाबू से कहकर इस हत्यारिन का गला कटवा दो। जाओ जाओ बेटा। ए पहरेदार, तुम्हें ही बुला रहा हूँ। आभूषण के लिए इसने राजा के पुत्र को मार डाला। इसका सिर काट डालो, ये महाराज की आज्ञा है। ये लो पकड़ो, तलवार लो। हाँ? नहीं देवी, देवी मेरी पत्नी ने ऐसा किया। स्वामी। देवी तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? स्वामी मैं निरपराधी हूँ। स्वामी अगर तुम निरपराधी हो तो तुम्हें मृत्यु दंड क्यों दिया गया? क्या अपराधनी है? काशी के महाराजा मेरे महाराजा, उनकी आज्ञा का पालन मैं करूंगा, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना होगा। हे परमपिता परमेश्वर, तुमने इतनी दयनीय स्थिति मुझे क्यों दी? अब तक मैंने सत्य पालन हेतु अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है। अब मेरा सूर्यवंश समाप्त हो चुका है। अब मुझे और क्या क्या देखने के लिए बाकी है भगवान? मेरे लिए मत रोइए स्वामी, इस कलंक से अच्छा है कि मैं अपने अपने स्वामी के हाथों मर जाऊं। तारामती, मेरे मालिक की आज्ञा को पूरा करना ही मेरा कर्तव्य है। मृत्यु को प्राप्त होने से पहले यदि तुम्हारी कुछ इच्छा है तो बताओ। भगवान भी आप हैं और प्रार्थना भी आपसे ही करती हूँ। जिस दिन से हमारा विवाह हुआ है उस दिन से मैं आपकी ही हूँ। अपना कर्तव्य पूर्ण कीजिए स्वामी। आज की खूनी कल एक राज्य की रानी थी, महाराज हरिश्चंद्र की परम प्रिय रानी थी। वंश को चलाने वाला प्रिय पुत्र चला गया। इन सब को सत्य धर्म पालन हेतु मैं हृदय से भगवान को अर्पित करता हूँ, परमेश्वर को अर्पित करता हूँ। हर हर महादेव। हरिश्चंद्र रुक जाओ। अयोध्या के महाचक्रवर्ती विश्वामित्र, आप इस शमशान भूमि पर किस लिए? मुझे अपने कर्तव्य पथ से मत रोकिए। हे परमेश्वर। सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम विजयी हुए, तुम सत्य के उपासक हो, मैं प्रसन्न हुआ। तारामती बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? जननी माता, इस गरीब पर आपको कितनी करुणा है। काशीनाथ के पुत्र को जीवन दान दीजिए। तारामती, तुम्हारे उच्च गुण का कोई मोल नहीं। मरे हुए काशीनाथ के पुत्र को ही नहीं, तुम्हारे पुत्र को भी मैं जीवन दान दूंगी, ऐसा वरदान देती हूँ।
परमेश्वर। विश्वामित्र जी, समस्या का निवारण किया क्या वो आपको याद है? उसका क्या परिणाम निकला है? हाँ माता, हरिश्चंद्र अपनी तप शक्ति में से आधी शक्ति मैं तुम्हें देता हूँ। पालन करने वाले हरिश्चंद्र तुम्हारी पत्नी और पुत्र को मुद्रा देकर खरीदने वाले प्रभु ही थे। और तुम्हारी दूसरी परीक्षा में शमशान भूमि का मालिक मैं स्वयं ही था। धर्म की इस परीक्षा में तुम विजय हुए। तुम्हारी तरह सच्चा त्यागी शिष्य ने वशिष्ठ जी का मान बहुत ही बढ़ा दिया है। हरिश्चंद्र, विश्वामित्र जी का तुम पर क्रोधित होकर तुम्हारी परीक्षा लेने का उद्देश्य था तुम्हारा कल्याण करना। उनका ये उद्देश्य पूरा हुआ और तुम उनकी परीक्षा में विजयी साबित हुए। अब तुम जाकर अपना राज्य संभालो। सत्य पर विजयी हुए चरित्रवान राजा हरिश्चंद्र की, हम सबका गर्व बढ़ाने वाले राजा हरिश्चंद्र की, सत्य पर विजयी हुए चरित्रवान राजा हरिश्चंद्र की। Thank you.